और खबर देंगे आपको, जाहिद अकरम दुरानी कौमी असम्बली के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म होने तक किसी और ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जाहिद अकरम दुरानी कल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। जाहिद अकरम दुरानी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त खत्म होने तक किसी और ने भी मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जाहिद अकरम दुरानी कल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं डिप्टी स्पीकर के हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से मुत्तफिका तौर पर जाहिद खान दुरानी को उम्मीदवार नामजद किया था और हमारे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, तो उनके बाद जो है अब अभी तक जो है किसी ने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। तो जाहिद अकरम दुरानी जो है वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है मुंतखब हो चुके हैं। वो अपने इस ओहदे का कल कौमी असम्बली के इजलास में हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है वो उनसे हलफ उठाएंगे। आज जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त दोपहर 12 बजे तक था और ज़राए के मुताबिक जाहिद खान दुरानी के अलावा किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, तो वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।